प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आज बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं और हमारी नॉर्थन डायनेस्टीज चल रही थी। हमने नॉर्थन डायनेस्टीज में कुछ कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि शुरुआत में हमने ट्रिपैट्रिएट स्ट्रगल और कन्नौज देखा था, कन्नौज का त्रि क्षेत्रीय संघर्ष। ऐसे ही हमने उसमें कुछ पावर्स भी समझी थी, जिसमें हमने प्रतिहार डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, पाल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रतिहार डायनेस्टीज भी कंप्लीट करी थी, देन उसके बाद हमने जाना था गहरवाल डायनेस्टीज, और उसके बाद लास्ट में हमने चौहान डायनेस्टीज, जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जाना था। तो स्टूडेंट्स, आइए उन्हीं डायनेस्टीज को आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं, और हमारा जो अब डायनेस्टी जो हमें पढ़नी है, जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं कि हमें चंदेल डायनेस्टी पढ़नी है। चंदेल डायनेस्टी जो ये प्रोफाउंड जो हुई है, उसका एरिया माना जाता है बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है, और वही उत्तर प्रदेश के पार्ट में जो डायनेस्टी हमारी चली थी, उस डायनेस्टी को हम नाम देते हैं चंदेल डायनेस्टी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैपिटल की बात करें, इसकी सबसे पहले जो कैपिटल बनाई गई थी वो खजुराहो बनाई गई थी। स्टूडेंट्स गौर हो, क्योंकि हमारे जो हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो हम बोलते हैं, ये स्टेट्स जो हम बोलते हैं, वो आज के टाइम पर जो स्टेट्स बनी हुई हैं, उन्हीं स्टेट से हमने इन डायनेस्टीज के एरिया को बांट दिया है। पर याद रहे, हमारे इतिहास में, हमारे हिस्ट्री में ये स्टेट्स बाद में बनी हैं, उससे पहले डायनेस्टीज थी, राजा के एरिया हुआ करते थे। ऐसा नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया या फिर राजस्थान का एरिया है या गुजरात का। बट ध्यान रहे, ये हमारे एरियाज राजाओं के किंगडम्स में डिवाइडेड थे, उनका जितना एरिया था राजा का वही बोला जाता था। अब देख रहा होगा, आपको लग रहा होगा खजुराहो खजुराहो तो हमारा मध्य प्रदेश में है, बट ध्यान रहे कि पहले मध्य प्रदेश नहीं था, पहले हमारा राजा का एरिया आता है, क्योंकि राजा ही राज करते हैं इतिहास में। बाद में हमारी सरकार ने, हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने हमारी स्टेट्स बनाई, फॉर्म हुई थी 1947 के बाद से। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैपिटल की बात करें, तो इसकी जो कैपिटल है चंदेल डायनेस्टी की, इसकी कैपिटल जो है वो खजुराहो है, जो कि आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में है, एमपी में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड, क्योंकि डायनेस्टी जो राज किया करती थी, ये वंश चंदेल वंश जो राज किया करता था, वो हमारा बुंदेलखंड में राज किया करता था, और ये बुंदेलखंड हमारा उत्तर प्रदेश का पार्ट है। इसी बुंदेलखंड को पहले जजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। तो इसीलिए ये वाली डायनेस्टी, अगर हम बात करें बुंदेलखंड चंदेल डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी जो कि बुंदेलखंड में राज करती थी, और साथ ही उसका अदर नेम भी हमें पता चल गया, जेजाक भुक्ति। अब ये जेजाक भुक्ति नाम कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं, जैसे कि इसके फाउंडर जो हैं हमारी बुंदेलखंड चंदेल डायनेस्टी के, वो थे नन्नुख। नन्नुख जो थे इसके फाउंडर माने जाते हैं। और अगर हम बात करें इसी नन्नुख के ही ग्रैंडसन, इसी नन्नुख के ही पौत्र, जिसका नाम था जयसिंह, या फिर जिसको जाना जाता था जेजा के नाम से, तो बस उसी जेजा के नाम से ही इस एरिया का नाम भी जेजा भुक्ति पड़ा, और बुंदेलखंड को एक नया नाम मिल गया, जिसको हम जेजा भुक्ति भी बोलते हैं, क्योंकि उसके एरिया का नाम ही हमने क्या रख दिया, जेजा, और जेजा के नाम पर ही जेजा भुक्ति हमारा एरिया पड़ गया। अब इसमें जो फर्स्ट ग्रेट रूलर की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं, क्योंकि ये फाउंडर थे हमारे नन्नुख, ये रूलर नहीं थे, सिर्फ उन्होंने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था, स्टार्ट कर दिया था, बस खोजा था। बट इस पे जो राज करने वाले पहले ग्रेट रूलर, पहले राजा जो थे, उनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने क्या किया बच्चे, जरा जानते हैं। यशोवर्मन ने अपने टाइम पर खजुराहो में, जो कि आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में है, वहां पर विष्णु जी का टेम्पल बनवाया, भगवान विष्णु का टेम्पल बनवाया खजुराहो में, जो कि प्रसिद्ध है। और हम सब जानते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है, अपनी जगह बहुत फेमस है।
तो बस यशो वर्मन ने ही सबसे पहले यहाँ पर विष्णु जी, भगवान विष्णु जी के टेम्पल का निर्माण किया, कंस्ट्रक्ट किया। नेक्स्ट उसके बाद में ग्रेटेस्ट रूलर। अब सर आप पूछ रहे होंगे बच्चे कि सर आपने ग्रेट रूलर बताया और ये ग्रेटेस्ट रूलर क्या है। स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले जो राजा राज करते जाते हैं, जिसमें हम मानते हैं कि जिन्होंने हमारे सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए, उन्होंने डेवलपमेंट अच्छा कराया, अपने एरियाज में अच्छा अच्छा डेवलपमेंट किया, लोगों का भला किया, तो उसको हम ग्रेट रूलर नाम दे देते हैं। और उसके बाद में भी लोग कंपैरिजन ये करते हैं कि उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, तो बस यहाँ पर ही हमारा एक ग्रेटेस्ट रूलर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है धुंग। और ग्रेटेस्ट रूलर धुंग जो है, इसका जो राज है, जो इसका रोलिंग पीरियड है, वो आप देख सकते हैं 1950 से लेके 1000 AD तक का है। तो इसने जो राज किया था, चंदेल डायनेस्टी, अपनी चंदेल डायनेस्टी में अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स करा के, अच्छे काम करके, तो वो धुंग ने राज किया था। इसको हम धंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में धुंग एंड इंग्लिश हिंदी में धंग। नेक्स्ट उसके बाद ही उसने एक कालिंजर की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ कालिंजर। और बस जैसे ही उसने कालिंजर की लड़ाई लड़के, बैटल लड़के, कालिंजर पर कब्जा कर लिया, तो बस उसी जगह को ही उसने अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया। ही मेड सेकंड कैपिटल कालिंजर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में ही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो धंग ग्रेटेस्ट रूलर इसलिए भी माना जाता है कि उसने लड़ाई लड़के एरिया पर राज किया। और लड़ाई लड़के जब एरिया पर राज किया जाता, तो अक्सर हमारे देश के राजा महाराजा उसी एरिया को अपनी कैपिटल बना देते हैं, उसी एरिया को राजधानी बना देते हैं। और राजधानी का मतलब यही हुआ कि यहाँ से पूरे एरिया का फंक्शन किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, पूरा सिस्टम चलाया जाएगा यहाँ से अपने एरिया का। इसीलिए वो उसी एरिया को ही ज्यादातर अपना राजधानी या फिर कैपिटल बनाते हैं, जहां पर उनका पूरा कंट्रोल हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा चंदेल डायनेस्टी ऑफ बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड को हम सब जानते हैं कि जेजाग भुक्ति के नाम से भी इस डायनेस्टी को जाना जाता है। तो बस बुंदेलखंड, जो कि हमारा उत्तर प्रदेश का पार्ट है, इसका सबसे पहले अगर हम बात देखें, और बस इसी जेजाग भुक्ति को आगे जाकर ये बुंदेलखंड को जेजाग भुक्ति के नाम से फेमस हुआ। इसमें जो ग्रांड सन जो था नन्नू का, जयसिंह या फिर जेजा, उसी के नाम पर ही बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ति पड़ा। और बस आगे जाकर ही इसने एक धंग, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर था, जिसने राज किया एक लड़ाई लड़कर, और अपनी नेक्स्ट जो कैपिटल जो बनाई उसने कलिंजर बनाई। और उसके बाद भी नेक्स्ट कैपिटल हमारी महोबा बनी, महोबा जो कि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने अपनी चंदेल डायनेस्टी को समझा। आइए अपनी नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारी डायनेस्टी है परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, ये आपने एरिया सुना होगा मालवा, मालवा, मालवा के पठार, प्लेटी ऑफ मालवा, तो बस वही चीज है ये, और वही एरिया इसका मालवा। ये मालवा जो एरिया है हमारा, कुछ पार्ट जो मध्य प्रदेश से जाता है, कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश, और कुछ पार्ट हमारा जो एरिया घेरता है राजस्थान का। बस आइए नेक्स्ट अपनी डायनेस्टी की तरफ मूव करते हैं, परमार डायनेस्टी। परमार डायनेस्टी की और कहां पर है ये, कहां से फेमस हुआ ये, मालवा रीजन से। तो बस मालवा का परमार वंश आइए जानते हैं। इसके अगर हम फाउंडर की बात करते हैं बच्चे, तो उसके फाउंडर हैं सियख या फिर श्रीहर्ष। तो मालवा के फाउंडर जो है वो सियका या फिर श्रीहर्ष के नाम से फेमस हैं। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं सियक या फिर श्रीहर्ष। सेकंड स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसकी इनिशियल कैपिटल की। इसकी सबसे पहले जो कैपिटल रही है हमारे हिस्ट्री में,
वो थी हमारी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो बस इसकी इनिशियल कैपिटल द इनिशियल कैपिटल ऑफ परमार डायनेस्टी वॉज उज्जैन, विच इज सिचुएटेड इन एमपी, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और उसके बाद ही लेटर ऑन कुछ राजाओं ने इसकी कैपिटल बना दी धारा। लेटर ऑन द कैपिटल शिफ्टेड टू धारा, और ये धारा जो प्लेस है वो भी हमारी एमपी में ही है। स्टूडेंट्स, इस बात से तो हमने देख लिया कि जैसे जैसे हमारे नए रूलर्स आते हैं तो अपनी कैपिटल्स भी वो चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चे ग्रेटेस्ट, अगर हम रूलर की बात करें यहां पर, ग्रेटेस्ट रूलर की, तो आपने नाम सुना होगा राजा भोज। तो वो लाइन बनी है ना, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो बस वही राजा भोज की बात की जा रही है यहां पर। तो ग्रेटेस्ट रूलर में जो उनको जाना जाता है वो हमारे राजा भोज हैं, और ये अपने टाइम पर, याद हो बच्चे, ये अपने टाइम पर महान विद्वान यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन भी रह चुके हैं, और स्वार्थ साथ में ही इन्होंने बड़े बड़े लिटरेचर जिन जो लिखते हैं, साहित्यकार भी रह चुके हैं, एमिनिस्ट पर्सनैलिटी, बहुत ही बुद्धिजीवी भी रह चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा राजा भोज, जो कि 1000 AD से लेकर 1055 तक राज किया, और जो किससे बिलोंग करते थे बच्चे, हमारी परमार डायनेस्टी से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब जब राजा भोज ही थे तो बस इनके नाम पर ही सिटी बनी, और जिस सिटी का नाम रखा गया भोजपुर, जो कि एमपी में ही है। तो बस ये एरिया जो भी हम पढ़ रहे हैं, परमार डायनेस्टी जो कि हमारा बोला जाता है मालवा के, तो ये हमारे एमपी में इन्होंने भोजपुर सिटी बनाई, और तालाब भी एक कंस्ट्रक्ट किया इन्होंने। ही बिल्ट अ पॉन्ड नेम भोजसार, भोजसार के नाम से तालाब फेमस है। ठीक बच्चे, अब इसी नहीं, हमारे राजा भोज ने बहुत सारे रूलर्स को हराया, और वो रूलर्स जो बिलोंग करते थे, ही डिफीटेड मैनी रूलर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टीज। तो देखो नया नाम आ गया, हम चालुक्य डायनेस्टी को पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा जो डायनेस्टी होगी। इसने बहुत सारे चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स को हराया, और साथ में बात ध्यान रही, इसी राजा भोज ने एक चंदेल रूलर को भी हराया, जिसका नाम है ही आल्सो डिफीटेड चंदेल रूलर नेम, और वो चंदेल रूलर का नाम जो था वो था, आपने नाम सुना होगा, विद्याधर। विद्याधर जो कि चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, उसको राजा भोज ने हराया, उसका ही बेटा विजयपाल आगे जाके प्रिंसिपल बन जाता है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना परमार डायनेस्टी का, जिसमें हमने बात करी थी हमारे जो बोला जाता है फाउंडर, जिन्होंने शुरुआत करी थी, वो हमारे सीएक या फिर श्री हर्ष के नाम से पर्सन फेमस है, उन्होंने करी थी। एंड देन उसके बाद हमने कैपिटल पढ़ा, इनकी कैपिटल सबसे पहले उज्जैन थी हमारे इतिहास में, और जैसे ही कैपिटल शिफ्ट हुई, और वो नई कैपिटल जो हमारी भाई वो है हमारे धार।
इसके जो ग्रेटेस्ट रूलर्स में से जो माना जाता है वो हमारे राजा भोज माना जाता है बच्चे। और राजा भोज नहीं, अपनी सिटी बनाई अपने नाम पर ही भोजपुर, जो कि हमारे एमपी में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में। और उसी भोजपुर से ही भोजसार तालाब बनाया। तो ही कंस्ट्रक्टेड और ही बिल्ड अ पॉन्ड नेम्ड भोजसार। इसने कई सारे राजाओं को भी हराया, जिसका नाम हम अक्सर जानते हैं, चालुक्य डायनेस्टी के राजा को हराया। आने वाली जो हम डायनेस्टी पढ़ेंगे वो भी चालुक्य बोलेंगे। चालुक्य डायनेस्टी को सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, सोलंकी वंश, क्योंकि सोलंकी जो सरनेम आपने सुना है वो चालुक्य डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो बस वही सोलंकी वंश और चालुक्य डायनेस्टी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास में। और स्टूडेंट्स, लास्ट इसका जो पॉइंट है, उसने चंदेल रूलर को भी हराया, जिसका नाम था विद्याधर। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज हमने परमार डायनेस्टी और साथ में हमने चंदेल डायनेस्टी को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और डायनेस्टीज पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।